दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब भारत की तरफ से ऑफिशियली अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है, कुछ समय पहले 5500 किलोमीटर बताई जाती थी, लेकिन जो लास्ट टेस्ट इसका हुआ था उस समय जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें डीआरडीओ ने इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई, तो भला भारत के क्लियर शब्दों में बता देने के बावजूद चाइना इसकी रेंज 8000 किलोमीटर क्यों बताता है और बार बार यूएन में वो 8000 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज क्यों बोलता है। आप सभी जानते हैं कि भारत हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इसराइल है या फिर पाकिस्तान है, इस तरह के जो देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं ये यूएनएससी के आधिकारिक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, यानी यूएनएससी के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं केवल उन्हें ही ये अथॉरिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। तो यहाँ पर भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए परमिशन नहीं है, और अगर बना भी लिए हैं तो इन्हें इनलीगल माना जाता है, और ऑन पेपर भारत जैसे देशों को परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं माना जाता, ये सच्चाई है। अब दरअसल हुआ ये कि 90s के दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु रेस शुरू हो गई, उसके बाद यूएनएससी द्वारा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजुलेशन लाया गया, तो इस रेजुलेशन के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज के परमाणु डिलीवर्ड करने वाली मिसाइलें डेवलप नहीं कर सकते, और इसी रेजुलेशन के आधार पर चाइना हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है, और भारत की जो लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको लेकर यूएनएससी में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि भारत के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि ऐसा भारत के केस में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चाइना कोशिश तो करता है, भारत को डोमिनेट करने की वो कोशिश तो करता ही है, और इसी दौरान वो भारत की अग्नि मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर बताता है। यहाँ तक की बातें बताई जाती है चाइना के द्वारा कि जो 5000 किलोमीटर भारत शो करता है इसकी रेंज, ये एक धोखा है, छलावा है, इसकी रेंज असल में 8000 किलोमीटर है। तो भला चाइना ऐसा क्यों बोलता है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप लोगों के द्वारा बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की और मुझे कुछ मिला, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत का डीआरडीओ बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड में काफी आगे जा चुका है, और इसके पीछे का कारण है शुरुआती दौर में भारत के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध। जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाई, जो पहली मिसाइल थी भारत की, मैंने आपको इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना कर दी थी, उस समय अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए ताकि इस तरह की मिसाइल डेवलप करने के लिए, इनकी रेंज बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह की प्रगति करने के लिए भारत को कोई समर्थन नहीं दे सकता, कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी या स्पेयर पार्ट्स नहीं दे सकता, इस तरह के सैंक्शंस लगा दिए थे। तो भारत ने अंततः खुद के प्रयासों के दम पर पूरी बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की। इस वजह से हुआ यह कि भारत का हाथ साफ हो गया, भारत को इसमें बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज मिल गई, और भारत किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए पूर्णतः सक्षम हो गया। आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि भारत कुछ इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो कि अपने टर्मिनल फेज में मैनूवर्स करती है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसका इस्तेमाल हमने हमारी प्रलय में किया है और साथ ही हमारी अग्नि प्राइम में किया है। तो कहने का मतलब भारत काफी एडवांसमेंट कर चुका है अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को लेकर। अभी रिसेंटली हमने जो अग्नि प्राइम का टेस्ट किया उस दौरान भी आपको बताया गया था कि कार्बन फाइबर से इसकी बॉडी बनाई गई है। इससे फायदा ये होगा कि ये काफी लो वेट की हो जाएगी, लो वेट होने की वजह से इसमें आप या तो ज्यादा वॉरेड डाल दीजिए या फिर वॉरेड उतना ही रहने दीजिए, लेकिन लो वेट की वजह से ये आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड करवाएगी। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी समय तक, सालों साल तक एज इट इज़ रह सकती है, ये ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि मिसाइल्स की भी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो इसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। अब हुआ ये कि भारत जब अग्नि 3 का डेवलपमेंट कर रहा था, अग्नि 3 मिसाइल जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, तो उस समय इसका सारा कुछ फाइनल कर लिया गया था, इसका डायमेंशन है ना, इसकी लेंथ या इसका वेट वगैरह, इसमें वॉरेड की कैपेसिटी, ये सारी कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली गई थी, और बताया जा रहा था उस समय कि 42 टन इसका वेट होने वाला है, 42 टन। लेकिन फिर डीआरडीओ ने इसके अंदर परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये था कि इसके अंदर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और बड़े पैमाने पर इसका फैब्रिकेशन उसी मटेरियल से किया गया जो कि ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा लंबे समय तक इसे एज इट इज़ रख सकता था, और साथ ही साथ इसका वेट भी कम कर सकता था। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक दावा था कि डीआरडीओ ने कार्बन फाइबर की वजह से इसका वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया कि ये 42 टन से 25 टन तक की आ गई, यानी लगभग इसका आधा वेट कम कर दिया गया डीआरडीओ की तरफ से, जबकि ना तो इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ा और ना ही इसके डायमीटर पर कोई फर्क पड़ा। ये पहले जितनी ही मोटी और लंबी थी, लेकिन इसके बावजूद इसका वेट लगभग आधा कर दिया गया। वैसे कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी कहा गया कि नहीं जी, इतना रिड्यूस तो वेट नहीं किया गया, लेकिन 8 टन इसका वेट कम कर दिया गया, यानी 42 में से 8 घटा दीजिए तो इतना वेट कम कर दिया गया इसका।
लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका डायमीटर चेंज नहीं किया गया ना इसकी लंबाई चेंज की गई। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि या तो आप इसमें वॉरेड की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जितना वॉरेड इसमें आ सकता था उससे ज़्यादा वॉरेड आप इसमें डाल दीजिए, या फिर वॉरेड बराबर रहने दीजिए लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा ले लीजिए बराबर। तो बताया जाता था कि इसी कार्बन फाइबर के मटेरियल की वजह से इस मिसाइल की रेंज हो जाती है 5000 किलोमीटर। यानी अग्नि 3 ही वो मिसाइल थी जब हमने 5000 किलोमीटर की रेंज अचीव कर ली। और मैं आपको बता दूं कि 4500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर रेंज वाली जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। यानी ये सीधे एक स्टेप पीछे वाली मिसाइल है ICBM के, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उससे ठीक पहले यही वाली आती है। तो अब जब हम लोग अग्नि 3 के समय ही 5000 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं तो फिर अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर होना तो स्वाभाविक सी बात है। वैसे भी 5000 किलोमीटर रेंज में ही हम लोग चाइना को घेर सकते हैं अच्छे से, लेकिन अगर हम लोग भारत के दूसरे कोने पर भी खड़े हो जाएं, चाइना के एकदम अपोजिट डायरेक्शन वाले, तो वहां से भी हम लोग चाइना के हर क्षेत्रों को इस मिसाइल की रेंज में ला सकें, इतनी पॉसिबिलिटीज तो हमें रखनी जरूरी थी जब इसका डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे। और यही एक कारण है कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर बताई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये बात केवल चाइना ही नहीं बल्कि भारत में भी मैक्सिमम लोग मानते हैं कि भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 8000 किलोमीटर है। तो उसके पीछे का लॉजिक यही हो सकता है कि इसका हमने वेट काफी रिड्यूस कर दिया होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।